Hello everyone, this is Sudesh and you are here on Arav Education Point, and today in this video we will continue 10th class first flight book 6th lesson, the 100 decades second part. This lesson is written by Al Basar Easter, and in this lesson first part जो कि fifth lesson है इसी book का, उसकी story को continue किया गया है. Let me remember one thing, if you didn't subscribe the channel till now, please subscribe the channel and please do hit the like button and drop your comment and suggestion in the comment box. हमने समझा था या यूं कहीं read किया था कि वांडा पेट्रोन्स की एक पोलैंड से बिलोंग करने वाली लड़की है. नाउ सी इज़ सेटल्ड इन अमेरिका एंड अब वो अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में जाती हैं. एंड राइटर ने हमें बताया था कि अदर कम्युनिटी के बच्चों के साथ पढ़ते हुए उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था. एंड इन द लास्ट हमें पता चला था कि वांडा पेट्रोन्स की, जिसको सभी स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर डम गर्ल मानते थे, मीन्स एक बुद्धू लड़की समझते थे, वो वास्तव में बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, क्योंकि उसने स्कूल में होने वाले ड्राइंग एंड कलर कंटेस्ट को जीत लिया था. एंड नाउ आगे हम देखेंगे कि वांडा पेट्रोन्स की स्कूल में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो जब कलर कंटेस्ट का रिजल्ट आउट हुआ था उस दिन पता चला कि वांडा पेट्रोन्स की पिछले तीन दिन से स्कूल से एब्सेंट चल रही है. एंड इन दिस लेसन वी विल नो व्हाई सी वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल. सो लेट्स प्रोसीड इन द स्टोरी. व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट. कि जब पूरी क्लास कक्षा में ऐसे ही सर्कल में घूम रही थी, तभी मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आते हैं. एंड मिस मैसन उस नोट को काफ़ी टाइम रीड करती हैं. आफ्टर दैट वो क्लास को कहती है, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. कि क्लास ध्यान दीजिए, हर कोई अपनी सीट पर जाए. तभी सारी क्लास अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं. एंड वो कहती है मिस मैसन सेड आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. कि मुझे वांडा के फादर से एक लेटर प्राप्त हुआ है और मैं वो आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. उसमें लिखा है, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. कि मेरी वांडा आपके स्कूल में अब नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, और जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. क्योंकि अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलक. पोलक उनका पोल जो लैंग्वेज थी उन्हीं वहीं से उठाया गया ये वर्ड है, जिसका मतलब है मजाक. अब वो कहते हैं कि अब और अधिक मजाक नहीं. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. और कोई भी ये नहीं पूछेगा कि ये नाम जो है, मीन्स वांडा का जो नाम है, वो मजाकिया क्यों है. प्लंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. क्योंकि ऐसे अनेक बहुत सारे मजाकिया नाम बड़े शहर में मिल जाएंगे. योअर्स ट्रूली, आपका ट्रूली भवदीय, जैन पेट्रोन्स की उसके फादर का नाम था. सो ये लेटर जैन ने, मिस वांडा के फादर ने लिखा था. थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, उसको जितना समझ में आता था उसने लिखा है. और मैसेज क्लियर है कि वांडा पेट्रोन्स की स्कूल में इसलिए नहीं आएगी अब आगे से, क्योंकि वो बड़े शहर में जा रहे हैं. और बड़े शहर में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि छोटे जिस शहर में अब वो रहते हैं वहाँ पर बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं. और बड़े शहर में उनके जैसे लोग, मीन्स पोल जो होंगे वो काफ़ी होंगे, और वैसे नाम बड़े शहर के लोगों ने काफ़ी सुने होंगे, इसलिए वहाँ पर उनका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा. अब जैसे ही पूरा लेटर मिस मैसन पढ़ती है तो पूरी क्लास के अंदर एक साइलेंस, एक चुप्पी छा जाती है, और सभी को बहुत ही रिग्रेट फील होता है वांडा के बारे में. एंड मिस मैसन उनकी फीलिंग्स को समझ जाती हैं. देन सी टोल्ड देम दैट नो वन शुड हर्ट एनीवनस फीलिंग बिकॉज हिज आर हर नेम वॉज लॉन्ग अ फनी. वो कहती है कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका नाम बड़ा है या फिर फनी है, एटलीस्ट इन बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं. उसके साथ ही वो कहती है कि स्कूल के अंदर वांडा के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था. एंड सभी बच्चों को कहती है कि एक बार इसके बारे में वो ज़रूर सोचें.
अब मैडी जो मिस मैसन की बात को बहुत ही केयरफुली लिसन कर रही थी, वो इतनी रिगर्ट, इतना उसको बुरा लगता है ये सारी बातें सुन करके कि वो अपने स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एंड सी हैड ए सिक फीलिंग नाउ, मीन्स उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी और वो सोचती है कि मीन्स उसके बारे में ये बात सही थी कि उसने कभी भी वांडा पेट्रोंस्की का मजाक नहीं उठाया था, परंतु वो ना ही उसने कभी पैगी जब भी उससे क्वेश्चन करती थी ड्रेसेस के रिगार्डिंग, तो उसने उन चीज़ों को कभी इंजॉय किया था, मीन्स वो कभी भी हंसती नहीं थी उसके ऊपर। बट ऑन सच ओकेजन सी सेड नथिंग एंड स्टूड साइलेंटली, उसने कभी कुछ कहा भी नहीं ऐसे अवसर पर, और हमेशा ही वो चुपचाप खड़ी रहती थी। अब वो सोचती है बट दैट वॉज ऑल्सो बैड, कि ये भी बुरा ही था। मीन्स मैडी को ये बातें सोच सोच करके काफ़ी रिगर्ट फील होता है कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मीन्स पैगी को कभी रोका नहीं और हमेशा चुपचाप वहाँ खड़ी रहती थी, तो वो बात ये सब करना भी एक तरीके से बुरा ही था। और उसे लगता है कि वो कायर थी और उसने कभी पैगी को रोकने की कोशिश भी नहीं की वांडा का मजाक उड़ाने से। अब मैडी सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और वो सोचती है कि मैं वांडा से मिलूंगी और उसे बताऊंगी कि मैं उसकी कभी भी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। एंड देन सी मेड हर माइंड टू गो टू हर हाउस एंड टेल वांडा दैट सी हैड वन द कंटेस्ट एंड हर 100 ड्रेसेस वर वेरी ब्यूटीफुल। अब वो अपना दिमाग बना लेती हैं कि वो वांडा के घर जाएगी और उसे बताएगी कि उसने कंटेस्ट को जीता है और उसकी जितनी भी 100 ड्रेसेस थी वो बहुत ही सुंदर थी। अब जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, मैडी पैगी को कहती है कि लेट्स गो टू वांडाज हाउस, कि आओ वांडा के घर चलते हैं। अब पैगी भी इससे सहमत होती है और दोनों उसके घर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। रास्ते में पैगी मैडी को कहती है कि मैंने वांडा को कभी भी फॉरनर नहीं कहा था, मीन्स वो अपनी तरफ से एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैंने वांडा को कभी भी इसलिए मजाक नहीं उड़ाया था कि वो दूसरी पोल स्टेट से बिलोंग करती है, बल्कि वो कहते कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वांडा वो जे डम गर्ल, कि वो एक बुद्धू लड़की है। एंड इसके साथ ही वो कहती कि सी नेवर इमेजिन दैट वांडा कुड सेंस द गर्ल्स हैड बीन मेकिंग फन ऑफ हर, कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वांडा को सेंस है इस चीज़ की, मीन्स उसे समझ आ रहा है कि ये लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही हैं। मीन्स पैगी को लगता था कि वांडा वास्तव में ही बुद्धू लड़की है, उसने कभी सोचा नहीं था कि वांडा कुछ और फील भी करती है। इस दौरान मैडी ने उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं दिया, वो केवल वांडा के पास जाना चाहती थी और उससे सॉरी बोलना चाहती थी अपने रूट ट्रीटमेंट के लिए, और वो उसको रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि वो वहाँ से ना जाए। और कुछ समय के बाद पैडी और मैडी वहाँ वांडा के घर पहुँच जाती हैं, जो कि बोगिन हाइट्स में होता है। बट वहाँ जाकर उन्हें वो देखती हैं कि देर वॉज नो वन इन द हाउस, कि घर में कोई नहीं था। पैगी ने दरवाज़ा खटखटाया बट देर वॉज नो रिस्पॉन्स, कोई भी जवाब नहीं आता है, बिकॉज वांडा और उसकी फैमिली पहले से ही वहाँ से जा चुके थे। एंड वो वापस आ जाते हैं। अब पैडी सेड दैट हर आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेज एक्चुअली हेल्प्ड हर। पैगी अब अपनी तरफ से अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करती है और मैडी को कहती है कि वास्तव में मैंने वांडा से जो ड्रेसेस के क्वेश्चन किए थे ना, वो उसके काम ही आए हैं। मींस पैगी को आज भी लगता है कि अगर मैं उससे इस तरह का गेम इन्वेंट नहीं करती तो उसके दिमाग में ये जो ड्रेसेस के स्केच बनाने के आइडियाज़ थे वो नहीं आते। एंड मैडी जो है उसकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होती है, और अब वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और मैडी अभी भी रात को सो नहीं पाती है, वो रात को भी वांडा के बारे में ही सोच रही है, उसकी ड्राइंग्स के बारे में सोच रही है, उसके घर के बारे में सोच रही है, और वो अच्छे से सो नहीं पाती है। एट लास्ट सी मेड ए डिसीजन, आखिर में वो एक निर्णय लेती है कि वो अब आगे से कभी भी अगर इस तरह की कोई हरकत होगी, मीन्स इस तरह से कोई किसी दूसरे का मजाक उड़ाएगा, तो मैं कभी चुप नहीं रहूँगी, मीन्स मैं उसको रोकूंगी। एंड सी वुड नॉट माइंड इवन सी हैड टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप, और अगर ऐसा मेरी फ्रेंड पैगी भी करती है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसे रोकूंगी चाहे मुझे पैगी के साथ फ्रेंडशिप ख़त्म करनी पड़े। एंड
आगे वो सोचती है कि सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा बट नाउ सी वुड नेवर मेक एनी बॉडी अनहैप्पी, कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं वांडा के साथ अपनी जो हमने गलत किया था उसके साथ हम समझौता कर सकें या उसे अपनी तरफ से क्लियरेंस दे सकें कि हमने गलत किया था, क्योंकि वांडा वहाँ से जा चुकी थी। बट अब वो कहते कि आगे से मेरी वजह से मैं किसी को अनहैप्पी फील नहीं होने दूंगी। अब क्या होता है कि सैटरडे का दिन होता है, पैगी एंड मैडी रोट ए लेटर टू वांडा, दोनों ने मिल करके वांडा को एक पत्र लिखा और ये एक फ्रेंडली लेटर था। उस लेटर में उन दोनों ने वांडा की ड्राइंग्स की प्रेज की। दे रोट टू हर दैट सी हैड वन द कंटेस्ट, उन्होंने लिखा कि उसने उस कंटेस्ट को जीता है एंड उन्होंने इस लेटर को बोगिन हाइट पे मेल किया और वहाँ उसमें साथ में रिक्वेस्ट भी छोड़ दी कि प्लीज़ इस लेटर को न्यू एड्रेस तक, मीन्स जहाँ वांडा गई है वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। अब क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं बट कोई आंसर वांडा की तरफ से नहीं आता है एंड पैगी जो भी इंसिडेंट हुआ था उसको भूल चुकी है, मीन्स या फिर यूँ कहें कि भूलना शुरू हो गई है, उसके दिमाग में अब वांडा नहीं है। मैडी ट्राइड टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, मैडी भी कोशिश करती है रात को सोने की और रात को सोते सोते वो वांडा से बातें करती रहती है। अब क्रिसमस समय चल रहा है और क्रिसमस पे छुट्टी होने वाली है, आज लास्ट डे स्कूल का था। मिस मैसन को वांडा की तरफ से लेटर मिलता है और वो लेटर पूरी क्लास को दिखाती है और उनको पढ़ के सुनाती है। वो कहती है वांडा ने लिखा है कि सारी लड़कियां उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं क्योंकि उसने अपने नए घर में नई 100 ड्रेसेस को बना लिया है। और इसके साथ ही वो बताती हैं कि वो ग्रीन कलर की ड्रेस जिस पर रेड कलर की ट्रिमिंग की गई है वो पैगी को देती है एज ए गिफ्ट में एंड मैडी ब्लू कलर की ड्रेस को रख सकती है। और इसके साथ ही उसने क्लास के सभी बच्चों को मैरी क्रिसमस विश किया है। सभी बच्चों ने ड्राइंग को एक्सेप्ट किया, पैगी और मैडी ने अपने अपने ड्राइंग्स को भी एक्सेप्ट किया और वो केयरफुली अपने घर लेके आती हैं और उसे अपने बेडरूम में लगा लेती हैं। मैडी आज भी वांडा को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, जब भी वह उसके बारे में सोचती है उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये सोचकर काफ़ी परेशान हो जाती है कि वांडा को अब वो दोबारा नहीं देख पाएगी एंड एक वो उसकी ड्राइंग्स को काफ़ी लंबे समय तक देखती रहती है। सी गेज एट द ड्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सडनली उसे वो नोटिस करती है कि उस ड्राइंग का एक फेस और हेड भी है। अचानक से उसे ऐसा फील होता है जब वो लंबे समय तक उस स्केच को देखती है तब, एंड वो फेस और वो चेहरा, वो सिर सॉरी वो हेड एंड फेस बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, मींस उसको अपना चेहरा उस स्केच के अंदर नज़र आता है और वो काफ़ी एक्साइटेड फील करती है। तभी वो उसको समझ में आता है कि वांडा ने ये ड्राइंग स्पेशली उसके लिए बनाई थी और वो दौड़ के पैगी के घर जाती है, पैगी को बताती है कि वांडा ने वो ड्राइंग स्पेशली मेरे लिए बनाई थी। देन दे सा हर ड्राइंग ऑल्सो, फिर वो पैगी की ड्राइंग को भी देखते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने नोटिस किया कि देर वॉज पैगीज फेस इन द ड्राइंग, कि उस ड्राइंग के अंदर भी पैगी का फेस ड्रॉ किया गया था। पैगी वॉज आल्सो हैप्पी टू सी दैट द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग लुक्ड लाइक हर। पैगी ये देख करके काफ़ी खुश हो जाती है कि उस ड्राइंग के अंदर जो फेस था वो उसके जैसा ही था। अब पैगी टोल्ड मैडी दैट वांडा रियली लाइक्ड देम, कि वास्तव में वांडा हम दोनों को बहुत पसंद करती थी, इसी वजह से उसने इतनी मेहनत से ये ड्राइंग बनाई है हम लोगों के लिए। देर वर टीयर्स इन मैडीज आईज एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा पेट्रोंस्की, और जब भी मैडी वांडा पेट्रोंस्की के बारे में सोचती है तो उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। इस कहानी से हमने यही सीखा है कि हमें किसी की को जज नहीं करना चाहिए उसकी हैसियत से, उसके पैसों से, बल्कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे वांडा पेट्रोंस्की के साथ बच्चों का ट्रीटमेंट था वो काफ़ी बुरा था, जैसे ही बच्चों को पता चला वांडा पेट्रोंस्की एक टैलेंटेड गर्ल थी तो उन्हें काफ़ी रिगर्ट फील होता है, बट अब उस रिगर्ट का कोई मोल नहीं है क्योंकि वांडा अब उनके सामने नहीं थी और उन्हीं की वजह से वांडा को स्कूल से जाना पड़ा था।